आज आपको बताऊंगा हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग में क्यों ज्यादा पाया जाता है। आपको मालूम हम लोग साउल हार्ट सेंटर चलाते हैं, इंडिया भर में 100 सेंटर है, और यहाँ पे हम लोग क्या सिखाते हैं कि किस तरह से आप लाइफस्टाइल को बदलो कि आपकी हार्ट की बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर सकें, किस तरह से आप ब्लॉकेज को रिवर्स कर सको। एक क्वेश्चन मेरे पास हर वक्त आता रहता है कि डॉक्टर साहब अर्ली मॉर्निंग में हार्ट अटैक क्यों ज्यादा होता है, तो इसके लिए मैं आज आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जब हॉस्पिटल ड्यूटी में होता था, इमरजेंसी में होता था, तो ये होता था कि रात भर एकाध केस आता था, सुबह सुबह धड़ाधड़ हार्ट के पेशेंट्स आते थे हार्ट अटैक लेके। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि उस वक्त हार्ट अटैक बहुत जल्दी होता है। क्यों होता है उसका भी कारण बताना चाहता हूँ आपको। पहले समझना होगा हार्ट अटैक होता कैसे है। देखिए, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है, अपने लिए जो 3 ट्यूब लेता है वो एक होता है राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सामने की तरफ LAD और लेफ्ट पीछे की तरफ LCX। ये हार्ट है एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 ट्यूब है। और इन 3 ट्यूब के अंदर पहले तो सालों साल लगती है ब्लॉकेज बनने में। ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते एक दिन ब्लॉकेज बस्ट कर जाता है, क्योंकि ब्लॉकेज के ऊपर जो पर्दा होता है वो स्ट्रेच करते करते एक दिन फट जाता है। और जैसे ही ब्लॉकेज बस्ट किया, वहाँ से कुछ केमिकल्स निकलता है जो क्लॉटिंग को स्पीड अप कर देता है। आपको मालूम है खून अगर क्लॉट कर जाए तो वो सॉलिड हो जाता है, लिक्विड रहता है तो फ्लो करता रहता है, और जब सॉलिड हो जाता है तो फ्लो कर नहीं सकेगा, वो बंद कर देता है उस ट्यूब को। तो ये जो क्लॉटिंग वाला काम है वो होता है कब, जब वो पर्दा फटता है उससे कुछ क्लॉटिंग केमिकल्स निकलती है। अब वो जो क्लॉटिंग केमिकल है, ये देखा गया है ह्यूमन बॉडी में जो खून में जो क्लॉटिंग केमिकल्स है वो अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा होता है। तो अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होने से क्या होता है, क्लॉटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे मान लेते हैं पर्दा क्रैक कर गया, कुछ केमिकल रिलीज होने लगा, ये पूरा रात तक चलता गया, अर्ली मॉर्निंग में क्लॉटिंग ज़्यादा हुआ और वहीं पे क्लॉट बन गई। तो वो जो क्लॉट बनता है, खून लिक्विड से सॉलिड बनता है, वो है मेजर कारण। और वो सॉलिड बनने का जो मेजर कारण है वो है कोआगुलेबिलिटी ऑफ द हार्ट। जो कोआगुलेबिलिटी हार्ट है वो होता है कि हार्ट में अंदर जो खून जो है उसका कितना क्लॉटिंग का चांसेस रहता है, और वो जो क्लॉटिंग हो जाती है तो फिर तो हार्ट अटैक हो गया। ये देखा जाता है कि बहुत सारे हार्ट अटैक हो भी जाता है रात को, पर वो पेशेंट सोचता है सुबह ही जाएंगे, ये भी एक कारण है। बट मेजर कारण हमारे खून में जो क्लॉटिंग होती है उसका अगर पूरा दिन का मेजर किया जाए तो देखा जाता है अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा खून गाढ़ा होता है। और इसलिए हम लोग जो एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रोल ये भी देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रात को लिया करो। अगर आप दिन में ले लिए तो नेक्स्ट दिन सुबह तक उसकी डोज काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए अगर रात को आप एस्पिरिन लेंगे, क्लोपिडोग्रेल लेंगे, तो वो रात भर को अच्छे से प्रोटेक्शन दे पाएगा, खून को ज़्यादा पतला रखेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अर्ली मॉर्निंग में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर ऐसा नहीं कि खाली अर्ली मॉर्निंग ये होगा, कि अगर दिन भर में 10 में से 3 होगी दिन के वक्त तो 7 होगी अर्ली मॉर्निंग। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अर्ली मॉर्निंग के वक्त खून को ज़्यादा पतला करके रखना। तो जो भी ऑलरेडी कन्फर्म्ड हार्ट के पेशेंट हैं उसको हम बोलेंगे एस्पिरिन को शाम के वक्त लिया करिए, और जो हार्ट के पेशेंट नहीं है उनको तो यही बोलना है कि भाई आप अपना लाइफस्टाइल को बदलो कि हार्ट अटैक हो ही नहीं। आपके जो ब्लॉकेज के कारण है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, स्मोकिंग, जर्दा, गुटखा या स्ट्रेस, इनको कम करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करिए, बिना तेल का खाना लीजिए, और योगा कीजिए, और उसके संग फ्रूट्स वेजिटेबल खूब खाइए। ये सब अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। पर फिर भी जो हार्ट के मरीज हैं उनको थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहेगा, तो उनको भी लाइफस्टाइल चेंज करना है। पर एस्पिरिन को आप रात के वक्त लीजिए, क्लोपिडोग्रेल को रात के वक्त लीजिए, कि अर्ली मॉर्निंग डोज अच्छा रहे और उस वक्त गाढ़ा ब्लड को पतला करके रखा जाए। तो एनीवे, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ हूँ। आपको मालूम है हमारे करीब हार्ट केयर का नॉन इन्वेजिव सेंटर 100 जगह चल रही है, और वहाँ पर हम लोग हार्ट के पेशेंट को ना सिर्फ एजुकेट करते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथी की दवाइयों के थ्रू, ECP या नेचुरल बाईपास के थ्रू, डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू। तो वो ट्रीटमेंट आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं, और आपसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।